अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रही थी हमारी सारी में मैंने बनाए शामी कबाब जो कल रेडी किए थे। मैंने इनकम्प्लीट वीडियो सॉरी रेसिपी छोड़ दी थी और जो है वो बनने के बाद मैंने उसे पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और प्याज सब चॉप करके बारीक और एक अंडा ये सब मिक्स करके, अंडा मैं इसके अंदर ही डाल देती हूँ। बस उसको मिक्स करके इसकी ये जो है टिकिया बना ली थी, तो बस ये हो जाएगी हमारी सैरी। तो फटाफट से करते हैं सैरी क्योंकि आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हार्डली 10 मिनट भी नहीं है सैरी करने में। तो बस फटाफट से सैरी करते हैं, फिर इंशाल्लाह दोपहर में मुलाकात होगी। अच्छा जी, अभी मैं तैयारी कर रही हूँ कचौरियों की, दाल वाली कचौरियाँ जो बनती हैं वो। और यहाँ पर मैंने लिया है नमक, ज़ीरा और अजवाइन। अजवाइन एक ही चुटकी है और एक कप मैंने मैदा लिया है। 1/4 टीस्पून सॉल्ट है और थोड़ा सा ज़ीरा लिया है। बस इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा सख्त गूँदूँगी नॉर्मल रोटी के बानिस्बत। तो बस इसको मैं गूँद लेती हूँ और रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं रोल की तरफ। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर वेजिटेबल चिकन रोल। और उसके लिए मैंने 2 टीस्पून, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, 2 टीस्पून से मैंने ऑयल लिया था। उसके अंदर सबसे पहले तो चिकन को टेंडर कर लिया था, अच्छी तरीके से फ्राई किया, उसके अंदर टेंडर किया। साथ ही मैंने एक चिकन का क्यूब डाल दिया था, टेंडर हो गई थी। उसके अंदर मैंने सिरका, सोया सॉस और हॉट सॉस, ब्लैक पेपर और जो रेगुलर वाला सॉल्ट होता है, अच्छा रेगुलर वाला सॉल्ट ध्यान से डालना है क्योंकि सोया सॉस भी जा रहा है, सिरका भी जा रहा है और चिकन क्यूब भी जा रहा है, तो इन सब के अंदर नमक होता है। तो बस इनको मैंने अच्छी तरीके से जो है वो चिकन को पहले तो गला लिया था, सारी सॉसेज वगैरह और सीजनिंग वगैरह कर ली थी। उसके बाद मैंने सारी सब्जियों को काट के जुलियन करके रखा हुआ था, फटाफट से इनको डाला तेज़ आग के ऊपर। इनको मैंने फ्राई कर लिया था, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और साथ में है ग्रीन वाली प्याज जो स्प्रिंग अनियन होती है ना वो, तो ये सब इसके अंदर डाल दिया था। साथ में कॉर्न को बॉयल करके अलग से वो डाल दिया था। इन सबको मिक्स किया। अब मैं डाल रही हूँ, यहाँ पर है मेरे पास मांडा पट्टी जो रोल की जो शीट्स होती हैं वो, तो यहाँ पर मैंने मिक्सचर ले लेना। अब आपके अपने हिसाब से देख लेना जितनी बड़ी शीट है, जितना बड़ा रोल आपने बनाना है, जैसी भी फिलिंग करनी है तो ये फिलिंग कर लेनी है। और इसके साथ मैंने यहाँ पर ना अलग से बॉयल किए हुए नूडल्स को, स्पेगेटी या नूडल्स जो भी ले लें, ऊपर से मैं इसको रख रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा मज़ेदार सा फ्लेवर देंगे, बिल्कुल बाजार जैसा फ्लेवर आएगा। अगर आप चाहें तो इसके अंदर हार्ड बॉयल एग भी डाल सकते हैं। बस इसके साथ जो है वो मैंने स्लरी को लगा लेना। यहाँ पर मैंने अलग से घोल बनाया हुआ, एक स्लरी बनाई हुई उसकी मैदे की, तो पानी के अंदर मैदे को घोल लिया है। तो बस इसको मैंने जो है दे देना इस पर कॉर्नर्स के ऊपर सील करने के लिए। और बस इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, यहाँ से यूँ करना है क्योंकि मेरे हाथ में है कैमरा तो मैं दोनों हाथ से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से फ़ोल्ड करते चले आना है। तो हो जाएगा हमारा रोल रेडी, एक फिलिंग। अगर मैं दूसरी फिलिंग बनाती हूँ तो वो मैं आपको बताऊँगी। इसी मिक्सचर के अंदर सिर्फ मैंने क्या करना है, मायनीज़ को मिक्स कर देना है, तो ये मेरी दूसरी फिलिंग रेडी हो जाएगी। तो वो भी बहुत मज़े के लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे मायनीज़ वाले, आई एम डैम श्योर। तो जो है आपने इसी फिलिंग के अंदर सारी चीज़ें यही होंगी, लेकिन इसके साथ मायनीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स करके और रोल बना देना, या फिर आप इसको जो है वो अपना समोसों के अंदर भी फिल कर सकते हैं।
तो आपकी चॉइस है। बस इसको जल्दी जल्दी से बनाते हैं खूब सारे और बस इसको फ्राई हो जाएंगे, फ्राई करने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने चनों की तैयारी की है, छोले उबले हुए लिए थे उसमें थोड़ा सा मैंने पानी और डाला, ये देखें। साथ में मैंने टमाटर चॉप करके डाल दिए हैं और प्याज चॉप करके डाल दिए और साथ में है इमली। इमली मैंने अभी पल्प नहीं बनाया क्योंकि मुझे देर हो रही थी, तो मैंने गुठलियों के साथ ही डाल दिया। और साथ में डाली मैंने कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाला। अच्छा, गरम मसाला ऑप्शनल है, डालना हो तो डाल लें। और एक चुटकी अजवाइन। तो बस इसको मैं अच्छी तरीके से गलने के लिए छोड़ दूंगी, हल्के से ही मैश से हो जाएंगे मुशी मुशी से टमाटर और ये प्याज। तो बस ये हमारी रेडी हो जाएंगे चने। सिंपल से मैंने चने बनाए और बहुत मज़े के लगते हैं वाले चने। मिर्चों को हल्का रखें, हल्की सी खटास रखें, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हमारे चने रेडी हो जाएंगे। बस ये जो मैंने बनाई थी डो कचौरियों के लिए, तो इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा के इसको रख दिया था, थोड़ा सा सख्त गूंदा था बानिस्बत जो नॉर्मल रोटियां होती हैं ना उनके। अच्छा, इसके अलावा अब मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटा सा पेड़ा जो पूरियों के साइज़ का होता है, बस ये मैंने लिया है। और साथ में मैंने इसकी फिलिंग बनाई है, देखें चने की दाल बिल्कुल अच्छे से उबाल ली है, लेकिन ऐसी बिल्कुल पतली पतली भी नहीं हो कि मैश करने पे बिल्कुल पानी पानी पतली सी हो जाए, अच्छे से गली हुई हो। और अब इसके अंदर मैंने सिर्फ नमक और लाल मिर्चें डाली हैं, इसको मैश कर लिया अच्छी तरीके से चने की दाल को। अब ये जो मैंने पेड़ा लिया था इसके अंदर इसको मैंने फिल करना है, बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी है कि वो निकल के बाहर आ जाए। और इसको लेना है चारों कॉर्नर्स इसके इस तरीके से सिक्योर कर देना है, सील कर देना इसको। और ये पेड़ा बना के ना बस इसको बेल लेना। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर बना के सारे रख लिए हैं, काफ़ी सारे। अब इसको इस स्टेज पे आपने लेयरिंग करके शॉपर की और फ्रीज़र भी कर सकते हैं, क्या अगर आपने फ्रीज करना हो, आज नहीं बनाना हो कल बनाना हो, या ज़्यादा बना के रख लें, थोड़ी थोड़ी बना लें, इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं तो अभी फ्राई कर लूँगी, तो ये इस तरीके से फ्लैट करूँगी, हल्का सा इसको बेलूँगी, या हाथ से आप इसको भी इस तरीके से फ्लैट कर सकते हैं जैसे मर्जी है। तो बस ये रेडी हो जाएगा और फ्राई हो जाएंगी। यहाँ हो गई हमारी अफ्तारी रेडी और यहाँ पर मेरे बन गए हैं पकौड़े भी। तो कल का लेफ्ट ओवर बैटर पड़ा था तो मैंने थोड़े से पकौड़े भी बना लिए। यहाँ कचौरियाँ हो गई रेडी, दाल वाली जो मैंने बताई थी वो, साथ में पापड़ जो कि बच्चों ख़ास तौर पे पसंद है, और खजूर आ गया, जूस है, आज मैंने ऑरेंज टैंग बना लिया था, और साथ में है फ्रूट चाट जो कि तीन चार ही फ्रूट पड़े हुए थे, बस उसी के मैंने बना लिया, अभी मिक्स भी नहीं किया। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा टैंग डाला था ऑरेंज वाला, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और साथ में शुगर, ब्लैक पेपर नहीं सॉरी चाट मसाला डाला था, ब्लैक पेपर नहीं डाला, चाट मसाला बहुत थोड़ा सा डाला था, ज़्यादा तेज़ी ना हो उसकी इसलिए, और थोड़ा सा जो है ना ब्लैक सॉल्ट डाला था, काला नमक। ये आ गए रोल जो अभी मैंने बनाए थे, तो ये वो रोल आ गए, और साथ में है ये चना चाट। तो बस ये हो गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार टेबल रेडी। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर पसंद आए ये सिंपल से इफ्तार टेबल, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कमेंट करके और फ्रेंड्स एंड फैमिली में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा सब। ये देखें ये रोल अंदर से इतना यमीस्ट रोल है, कॉर्न मुँह में आते हैं और जब ये आता है नूडल्स सब्जियां हर चीज़ चिकन, बड़ा मज़े का लगता है।